This is an apology from my side, Dr. Omar Adil, to Garida Faruki. This is a completely unconditional, wholehearted, sincere apology. Assalamualaikum, Nazreen. मैं हूं अली यसनैन शाह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कैसे हैं आप सब खैरियत से हैं मेरे प्रीवियस चैनल के ऊपर भी जब मैं काम कर रहा था तो अक्सर अवकात लोगों के कमेंट्स आते थे कि यार आप इसके अलावा कुछ और काम भी करें यही खबरें कौन आ रहा है कौन जा रहा है शो में कब स्टार्ट होगा ये वो इससे हट के भी कुछ काम करें तो तब भी मैंने इसके ऊपर सीरियसली सोचा मैंने हट के कुछ और काम करने की कोशिश की बट आगे से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया अब दोबारा मुझे अक्सर औकात मेरी अपनी टीम के लोग मिलते हैं वो कहते हैं कि यार इसके अलावा कुछ और भी करो और लोगों ने भी मशवरा दिया तो मैंने सोचा उसके ऊपर काम करने के लिए कि यार कुछ और करना चाहिए एक्सपीरियंस के तौर पर मैंने एक वीडियो बनाई प्रीवियस वीडियो मेरी आप जाके देखें जो मैंने नई महमद साहब के साथ बनाई थी दी ग्लास वर्ल्ड के जो फाउंडर हैं उनके साथ तीन व्यूज़ भी अभी तक नहीं पड़े उस वीडियो के ऊपर तीसरा दिन है अब उसमें हुआ क्या कि प्रॉपर मैंने कैमरा मैन हायर किए कैमराज लेके गए एक बंदे की रिक्वेस्ट की उसकी लोकेशन पे गए उसका इंटरव्यू किया बाद में एडिट एडिटर्स से एडिट करवाया यानी कि मैंने मोबाइल पे एडिट नहीं किया मैंने एडिटर से बाकायदा जो प्रोफेशनल एडिटर्स हैं उनसे एडिट करवाया अपलोड किया मेहनत हुई उसके ऊपर जो कैमरा मैन हायर किए उनको पेमेंट की कैमराज की पेमेंट की एडिटिंग की पेमेंट की और जब अपलोड किया तो तीन व्यू भी नहीं पड़े उसके ऊपर तो बताएं कि कैसे कुछ और काम की तरफ जाएं ये काम फिर ज़्यादा बेहतर नहीं है कि अपने घर में सुकून से बैठ के आठ दस पंद्रह मिनट की वीडियो बना ली मोबाइल के ऊपर उसके ऊपर आधा घंटा लगा के उसको एडिट किया अपलोड किया व्यूज़ भी अच्छे खासे आ जाते हैं तो फिर कुछ और करने का फिर बंदा कैसे सोचे आप लोग खुद बताएं अभी मैंने दो इंटरव्यूज कर के रिकॉर्ड मेरे हो चुके हैं वो एडिटिंग प्रोसेस में है एक शाहजा मिर्जा साहब का इंटरव्यू है और एक जावेद इस्लाम साहब का बाकी हिस्सा जो इंटरव्यू का है वो पड़ा हुआ है अब वो मैं सोच रहा हूँ कि यार उसको रहने देता हूँ फिर नहीं करता अपलोड क्योंकि कुछ और करने का फ़ायदा नहीं है जब अपना मेहनत भी करे पैसा भी खर्च करे उसके ऊपर और उसका आगे से रिजल्ट वैसे ना मिले तो ये एज ऑडियंस मैं एक अपनी फैमिली समझता हूँ आपको एक गिला शिकवा भी है आप लोगों से कि उसका भी रिस्पॉन्स वैसे आना चाहिए था और नईम साहब के साथ जो इंटरव्यू किया वो बड़ा फ्रूटफुल इंटरव्यू हुआ है आंखों के बारे में अपने बच्चों के बारे में हमारे ये हर घर ये हर घर का मसला है आप खुद बताएं कि आपके घर में बच्चे माया नहीं पकड़ा देती मोबाइल फ़ोन तो उसका क्या नुकसान है उसके बारे में हम लोग मोबाइल फ़ोन स्क्रीन यूज़ करते हैं उसका क्या नुकसान है उसका सोल्यूशन क्या है ये सारी बातें उसके अंदर डिस्कस की गई थी बट तीन व्यूज़ भी नहीं पड़े सो अब मैं सीरियसली सोच रहा हूँ कि यार यही काम जो चल रहा है इसी के ऊपर करना चाहिए इसके अलावा हटके सोचना ही नहीं चाहिए ये था आप लोगों से थोड़ा सा गिला शिकवा आप आते हैं वीडियो के असल टॉपिक की तरफ और असल टॉपिक थंबनेल से आपको आइडिया हो गया होगा असीब भाई के बारे में गंदा अंडा के बारे में आ, मैं जो वीडियोस बनाता हूं तो उसके नीचे भी लोगों के काफ़ी सारे कमेंट्स आए होते हैं लोग पूछते हैं कि यार असीब भाई किधर हैं क्यों शो में नज़र नहीं आ रहे उनका नया शो डॉक्टर उम्रदल साहब के साथ क्यों नहीं आ रहा और कल परसों हमने जो शो अपलोड किया असीब भाई का जिसमें वो शामिल थे उसमें भी लोगों ने यही समझा लेकिन हम लोगों ने बकायदा बता दिया कि ये शो जो है प्रीवियसली रिकॉर्ड हो चुका है अब बैकग्राउंड स्टोरी आपको मुख्तसर करके मैं बता देता हूँ शो आप लोग देखते होंगे हसीफ भाई का डॉक्टर उमर आदिल साहब का अब उसमें डॉक्टर उमर आदिल साहब थोड़ा सा ऐसी बातें हैं जो नहीं बयान करनी चाहिए ऑन कैमरा वो भी बयान कर दिए जाती हैं हर सच बोलने वाला नहीं होता ये एक दानिश्वर के अल्फाज हैं जिन्होंने मुझे ये मैंने उनके मुंह से सुना है कि हर सच भी बोलने वाला नहीं होता ऑन कैमरा नहीं बोला जा सकता फिर आजकल की सूरत हाल में आजकल के जो मामला हैं वो आप लोग देख रहे हैं आपके सामने है, क्या मुल्क हाल है फिर रिसेंटली एक बिल पास हुआ है हद तक इज्जत का बिल पास हुआ है उस बिल के पास होने के बाद अगर आप किसी के बारे में बात करेंगे तो सोच समझ के आपको बात करनी चाहिए वरना आप फंस सकते हैं खास तौर तो पर किसी की पर्सनल लाइफ के ऊपर अगर आप बात करेंगे किसी की पर्सनल लाइफ के ऊपर आप अटैक करेंगे लेट्स से के आयशा जहाँजेब वाला मामला था उसके ऊपर डॉक्टर साहब ने जो मौका अख्तियार किया वो काबिल एतराज़ था गरीदा फारूकी साहबा के बारे में वो हसीब भाई का चैनल नहीं था वो किसी और जोहेब भट्ट के चैनल के ऊपर उन्होंने वो अपना इंटरव्यू दिया उस इंटरव्यू के बाद उसका रिएक्शन आया उसमें जो बातें की गई वो वो काबिल एतराज थी सो इस किस्म का कॉन्टेंट उनके चैनल से अपलोड हुआ तो डॉक्टर उमर अदिल साहब को केसेस का सामना करना पड़ा हसीब भाई का जहां तक ताल्लुक है हसीब भाई के चैनल के ऊपर बैठ के ये सब कुछ हुआ प्लेटफॉर्म हसीब भाई का था और माशाल्लाह अच्छा चैनल जा रहा था एक लाख से ऊपर सब्सक्राइबर हो गए हैं व्यूज माशा वो बड़े अच्छे ले रहे हैं दो दो ढाई ढाई लाख तीन तीन लाख लाख भी क्रॉस कर जाते हैं उनके व्यूज़ तो चैनल हसीब भाई का था जहर हसीब भाई से भी पूछ गुछ होनी थी कि हाँ भाई आपके प्लेटफॉर्म के जरिए ये सब कुछ हुआ तो, है तो क्या मामला हैं तो हसीब भाई इन मामला में आजकल फंसे हुए हैं कि जो उनके चैनल से इंटरव्यूज गए हैं मुख्तु शख्सियात के बारे में मुख्त लोगों के बारे में फिर डॉक्टर उमर आदिल साहब के साथ उनके जो मौक़ है मुख्त लोगों के बारे में उसके बारे में जो सवालों जवाब हो रहे हैं उनसे वो आजकल इन चीज़ों में मसरूफ़ है इन चीज़ों में फंसे हुए हैं तो इसलिए वो फ़िलहाल स्क्रीन से फ़िलहाल पर्दे से ग़ायब हैं दोनों ही फिलहाल स्क्रीन के ऊपर नहीं आ रहे हैं भाई की बात कर लें या डॉक्टर उमर आदिल साहब की बात कर लें तो जो उनके मामलात हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं कि वो हद तक के इज़्ज़त जो एक बिल पास हुआ है उसकी नज़र हो गए हैं जिसकी वजह से वो फ़िलहाल उन्हें शायद मना कर दिया गया है या वट एवर जो भी है तो ये मामला ये सूरत हाल है कि वो अभी तक काम नहीं कर रहे एज़ फॉर एज़ हसीब भाई इस कंसर्न तो राबता उनके साथ नहीं है बिल्कुल भी किसी का भी एटलीस्ट कम अज़ कम मेरा तो राबता नहीं है क्योंकि उनके मोबाइल फ़ोन बंद हैं नंबर उन्होंने शायद चेंज कर लिए हैं और मेरे ख़्याल से हमारी टीम में किसी का भी हसीब भाई के साथ ऐसा चबा नहीं है तो होप फॉर दी बेस्ट इनशाला जैसे ही उनके मामला क्लियर हो जाएंगे मामला हल हो जाएंगे ज़ाहिर है एक ना एक दिन मामला ये क्लियर होने हैं मामला हल होने हैं वो जैसे ही हल हो जाएंगे तो वो आप लोगों को नजर आएंगे ऑन स्क्रीन बल्कि डॉक्टर उमर अदिल साहब का तो एक माफ़ी का पैगाम भी उन्होंने शेयर किया था उन्होंने एक्सक्यूज किया था मैंने वो अपलोड भी किया था अपने चैनल के ऊपर जिन लोगों ने वो देखा है वेर एंड गुड जिन लोगों ने नहीं देखा उनकी सहूलत के लिए मैं दोबारा इस वीडियो के आखिर में जो डॉक्टर उमर दिल साहब का एक मैसेज था वो मैं स्क्रीन के ऊपर दोबारा चला दूंगा सो so, ये मामला थे ये हालात तो वाक़त हैं हसीब खान के बारे में डॉक्टर उबरादल के बारे में जैसे ही वो अपने इन मामला से इन चीज़ों से निकलेंगे तो तो आपको ऑन स्क्रीन नज़र भी आ जाएंगे और हम आप लोगों को इन्फॉर्म भी कर देंगे सो so, ये थी व्यूअर्स मेरी आज की वीडियो जिसमें मैंने एक छोटा सा गिला शिकवा भी आप लोगों से करना था वीडियो के स्टार्ट में वो भी कर दिया और दूसरा ये एक अपडेट थी हसीब भाई के बारे में और डॉक्टर उम्रदल साहब के बारे में वो मैंने आप तक पहुँचा दिया है आई होप आपको आपके आंसर्स मिल जाएंगे मजीद अगर किसी का कोई सवाल होगा तो कमेंट्स कर दीजिएगा मैं उसका जवाब दे दूंगा थैंक यू सो मच व्यूअर्स ये थी मेरी आज की वीडियो आई होप आपको पसंद आई होगी अपने कमेंट्स के जरिए मुझे लाजमी आगा कीजिएगा अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा मुझे अपने दुआ में याद रखिए अल्लाह हाफि दिस इज एन अपॉलॉजी फ्रॉम माई साइड डॉक्टर उमर आदिल टू गरीदा फारूकी दिस इज अ कंप्लीटली अनकंडीशनल होल हार्टेड सिंसियर अपॉलॉजी I understand that she has been very hurt and distressed by a particular podcast which has been edited and completely manipulated by the host of the postcard of the podcast. I just want to say Dr. ki Mera Kisi Koi, Bad we are just two people who work in the media. I have the utmost respect for her as a lady working in the media. I can never ever imagine to abuse her or call her names at all. But still, if because of ki vajase, inadvertently, I actually have hurt Garida Faruqi, I sincerely apologize for that because it was never my intention to hurt anybody, especially a lady who works in the field of journalism and television. So kindly, I'm sure that with this apology, Garida would find it in her heart to completely forgive me and take her complaint back if she so deems proper. I would actually go to any extent to somehow, somehow apologize to Garida for the distress that has been caused. Thank you so much.